तो हम जा रहे हैं दिल्ली से पुणे, और अभी रात की फ्लाइट है, रात मतलब अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। मैं तो पहली बार ही बैठ रहा हूँ भाई, आज पता नहीं कैसा लगता है। हम भी बिठा दो इसको, बैठ गया, गजब बेइज्जती है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई बहुत दिनों बाद व्लॉग शुरू हो रहा है, और शुरू हो रहा है बनी की फर्स्ट फ्लाइट से। तो हम जा रहे हैं गाइज दिल्ली से पुणे, और अभी रात की फ़्लाइट है, रात मतलब अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं ना, सस्ती फ्लाइट। मैं गरीब हूँ। ये भी एक तो भाई हमारा प्लान में अभी वैसे तो कुछ नहीं है, हमने बस टिकट कराई है पुणे की और हम चल दिए, और अभी जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक पे, तो सिक्योरिटी के बाद मिलते हैं। ओके गाइस, चलो बाय। One eternity later. तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है बनी की फर्स्ट फ्लाइट है? बहुत अच्छा। इसके आगे कुछ मजा आ रहा है? आपकी भी बनी के साथ फर्स्ट फ्लाइट है, है ना? मेरी भी बनी के साथ फर्स्ट फ्लाइट है, तुम्हारी भी बनी के साथ फर्स्ट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरी तो वैसे ही फर्स्ट फ्लाइट है, मैं तो पहली बार ही बैठ रहा हूँ भाई, आज पता नहीं कैसा लगता है। बनी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। चलो चलो घुमा के लाएंगे, घुमा। तो हम जा रहे हैं बनी को थोड़ा सा एंटरटेन कराने। जोकर है ना हम, जोकर Have kids, they said it will be fun, they said. इशू तुम्हें क्या लगता है, अगर बनी फ्लाइट में रोया तो फिर तुम क्या करोगे? बताओ बताओ बनी, देखो क्या है इशू। ओए हवाई जहाज, अगर बनी फ्लाइट में रोया तो तुम क्या कर सकते हो? क्या मेरे को लगता है कि बनी रोएगा नहीं फ्लाइट में? आई पर्सनली फील थिंक दिस, ऐसे मेरे को लगता है शायद वो ना बड़ा ही बहुत क्यूरियोसिटी है। बनी आपको क्या कहना है? बनी को क्या हो? बनी को बनी दिख रहा है। ओह ओह, बनी आपको क्या खाने का मन है? चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉपिंग। मोनो तुमने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लिया? नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के तो स्विमिंग करते तुम अच्छी नहीं लगोगी। तो इशू कोई बात नहीं, थोड़े पैसे खर्च करना और मुझे दिला देना थोड़े। भाई ये देख लो, बोर्डिंग शुरू हो गई है। Two hours later. Successfully हमारी फर्स्ट फ्लाइट हो गई है बनी के साथ। ये उड़ते टाइम भी सवाल था, उतरते टाइम भी सवाल, बीच में पूरे टाइम इसको खड़े होके ले गए, पूरे टाइम खड़े होके। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए। अगर कोक टू साए सोता भी बली। चलो एक बार बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं। आओ ले ली, हम लोग पहुंच गए हैं पुणे। अभी मेरे पीछे बेल्ट नंबर 3 है, और भाई इसमें सामान आया नहीं है। और कहाँ भी ये नहीं, मोनो और ये नहीं मम्मी जी, यहाँ पे क्या बोलते हैं बेल्ट पे इंतज़ार कर रही है सामान आने का। और मैं पूरी फ्लाइट में उतार हूँ, खड़े होके आया हूँ बनी को सुलाने की कोशिश करते। जब टेक ऑफ कर रहे थे तब भी ऐसे, तब तो ऐसे डर गया थोड़ा सा, पर रोया नहीं। पर इसको ये है कि यार, इसको ये है कि थोड़ा सा ना, मतलब इसको निचला नहीं टिकना, मतलब इसको बैठना नहीं है, इसको घुमाते रहो पूरी फ्लाइट में, घुमाते रहो। और क्या बोलते हैं, उसी में ही खुश है ये। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, है भाई गाड़ी में बैठेंगे। ओडी आ रही है हमारी, ओडी देखते क्या आ रहा है भाई, देखते। सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं सामान का वेट करने के लिए, कि भैया सामान आएगा, कोई किसी का लेके ना भाग जाए।
पर ऐसा होता तो नहीं होगा ना यार, कोई किसी का लेके भाग जाए। सबसे बड़ी टेंशन इसे ड्रामेबाज है ये, पूरी फ्लाइट में से बैठी रही और बाद में कहती मुझे सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द, कुछ नहीं करा इसने, ये चोपटू है ये मोनो, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ये उठ जाएगा ऐसे, तुमने देखना क्या करा, देख देख क्यों करोगे भाई तेरे सिर में दर्द, बताने बताने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। मेरे बनी को पूरी फ्लाइट में संभाल रहा है। कैसे? मुझे बनी रो रहा था ना, मैं गोद लेके बनी रो रहा था गोदी में लेके, देख लो भाई किसकी गोदी में, लेकिन मैं ही संभालता हूँ, है उसके पापा है, शक्ल क्या दिखा रही हो तुम। चल भाई एक बार बाहर निकलते हैं यहाँ से, उसके घर पहुँच के थोड़ा रस्ते का एंजॉय करो। मम्मी हमारी बहुत प्रो है ना, मम्मी हमारी बहुत प्रो है, उधर सामान के वेट में खड़ी है, वो देखो पीछे वहीं पे बैठ गया, यहाँ से चल के वहाँ तक चले जाए। अरे मोनू ऐसे गोल घूमेगी वहाँ से आगे से, देखियो ये इसमें से सामान निकलेगा अपना, इसमें से निकलेगा, इसमें से अभी आएगा ना, तू बैठ ना इस पे बैठ, अरे फटाफट बैठ, अंदर चले जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, अंदर नहीं आते, जल्दी बैठ ले यार, किसी काम की ना आए, हम भी बिठा दो इसको, बैठ जा, गजब बेइज्जती है। इसमें देखो भाई जैसे अंडरग्राउंड टनल है, इसमें से बैग आ रहे हैं और ऐसे घूम के, एक बैग ही आया हमारा, ये मरून वाला बैग हमारा है भाई, मोनू उठा लिए कदे लिकट जा ठीक से। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं पुणे और गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है, फाइनली फाइनली थोड़ी देर में जाके गाड़ी आ जाएगी। इतनी सुबह सुबह तो हम बहुत दिन बाद उठे हैं, मतलब कि इतनी सुबह सुबह तो हम सो ही नहीं पहले में तो दर्द था, पूरा दिन मिल जाएगा, अब मेरे को लग रहा है ऐसे पिल पिले हो रहे हैं हम सारे रास्ते सोते जाएंगे। अभी हमें हमें एक सवारी और उठानी है, एक पैसेंजर ऑन द वे, हमारी गाड़ी आने वाली है। तो गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो ये वाली फ्लाइट जो है ना मेरे को सबसे सही लगी, कि रात को आप दो सवा दो बजे बैठ जाओ और सुबह चार साढ़े चार बजे उतार देगी। अगर आप अपने बेबी के साथ आ रहे हो तो रात वाली फ्लाइट लेना। अगर आपको पुणे में कोई काम है तो आप सुबह आ सकते, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, अपना काम खत्म करो और शाम को फिर वापस निपट लो, 9 बजे की यही फ्लाइट शाम को है वापस। कितना हेक्टिक होगा? हेक्टिक क्या है भाई, डेढ़ घंटा, सिर्फ डेढ़ घंटा, मतलब जितना मेरे को अपने घर से अपने ऑफिस जाने में लगता है उतना मैं दिल्ली से पुणे आ गया उतनी देर में। क्या सोच रही हो मम्मी? सोच रही एक मना बुक करो। तुम तो कह रहे थे ईशु बहुत तो बड़ी गाड़ी है। चलो भाई थोड़ी देर में गाड़ी आती है, फिर आपको गाड़ी के शॉट्स दिखाएंगे, बाकी भाई हम अब इंतजार कर रहे हैं, आप मिलना कल जाके, ठीक है?